है, ये लक्ष्मी होती है, तो हम क्या होते हैं? हम भी कुछ होते हैं कि नहीं होते? और इनको खुश रखना वो ठीक है, मतलब इन्हीं को खुश रखना है कि हमें भी रहना है, कि हम रोते हुए पैदा हुए थे और रोते हुए मर जाएं? इतनी सारी बातें, इतनी तकलीफ, 80% शादीशुदा मर्दों के सर के बाल झड़ जाते हैं, उसके बाद वही पत्नी टीवी दिखाएगी और बोलेगी ये देखिए अनिल कपूर, शाहरुख खान, सलमान, अक्षय कुमार, देखिए कितने घने बाल हैं इनके। अब बताएं मर्द को दर्द होगा कि नहीं होगा? कोई इनकी सहेली घर में आ जाए, आप गुड जेस्चर में स्माइल देके हाय बोल दें, टपक से इनकी नजरें तिरछी हो जाएंगी, फट से कहेंगी ये बड़ा अच्छा चाय बनाते हैं, जरा जाइए ना हम दोनों के लिए भी चाय बनाइए। अब आपको मालूम है कि इनकी सहेली के सामने आपकी बेइज्जती हो गई, लेकिन आप फिर भी जाके किचन में अदरक कूट रहे हैं और चाय ला के सर्व कर रहे हैं। अब आप सोचिए मर्द को दर्द होगा कि नहीं होगा? शॉपिंग करनी है, आपका बजट है 600 रुपये, शॉपिंग हो गई 6000 रुपये की, इनकी इनके कुर्ते ले लिए गए, इनके सैंडल्स ले लिए गए, इनके पर्स ले लिए गए, ले देके उसके बाद आपके लिए बचा 600 रुपये, उसमें खरीदा गया शर्ट और उस पर भी आपको सुना दिया गया, पहनना तो रहता है नहीं, और खाली शर्ट खरीदते रहते हैं। आप बताइए मर्द को दर्द होगा कि नहीं होगा? पत्नी और माँ के बीच में लड़ाई हो गई, आप चाहते हैं कि लड़ाई बंद हो जाए, पर आपकी स्थिति बांग्लादेश जैसी है। अगर भारत को समझाए तो चाइना आपकी ले लेगा, और चाइना को आपने कुछ कहा तो भारत आपकी बजा देगा, और इन दोनों की लड़ाई में आपको खाना नहीं मिल रहा। आप बताइए मर्द को दर्द होगा कि नहीं? इनके पसंद का खाना खाओ, इनके पसंद के ड्रेसेस पहनो, इनकी पसंद की मूवी देखो, इनके पसंद से घूमने जाओ, और तो और महीने के आखिरी दिन सारी सैलरी भी लाके इनको दे दो। फिर भी आगे से कहेंगी तुम बदल गए हो रमेश। तो बोले मैं रमेश नहीं, मैं प्रियेश। हाँ वही प्रियेश, तुम बदल गए हो, मैं मायके जा रही हूँ। और जाएंगी कभी नहीं। बताइए मर्द को दर्द होगा कि नहीं होगा? पतले हो जाओ तो दिक्कत, शादी हो गई अब किसको दिखाना है, बड़ा हीरो बने फिर रहे हो, जाओ ये कपड़े उतारो। मोटे हो जाओ, इस आदमी को तो कोई अपनी बॉडी की परवाह ही नहीं, कहीं से भी निकल रहा है अदरक की तरह। ऑफिस से जल्दी आ जाओ तो दिक्कत, क्या बात है आपसे ऑफिस में भी लोग काम नहीं करवाते क्या, आपको वहां भी लोग निकम्मा ही समझते हैं? ऑफिस से लेट आओ तो आपका तो ऑफिस में ही मन लगा रहता है, घर क्यों आते हैं, वही बेड लगा के वही सो जाया करें। मतलब आदमी करे तो क्या करे, सारे कानून इनकी रक्षा के लिए बनाए गए, दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, पर कोई कानून हमारी रक्षा के लिए नहीं बनाए गए, कोई कानून हमारी रक्षा नहीं कर रहा। आप बताइए मर्द को दर्द होगा कि नहीं होगा? और सबसे बड़ी बात, आदमी जानता है, मर्द जानता है कि दर्द बांटने से बढ़ता है, वो दर्द बांटने जाता है लेकिन जो सुनने वाला है वो भी मर्द, और फिर जब उसका दर्द सुनता है तो उसको एक ही गीत याद आता है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। तो प्लीज रुमाल निकालें और अपने आंखों से आंसुओं को पोछें और अपनी पत्नियों के पास जाकर कहें कि हाँ हम मर्द को दर्द होता है, हम पे रहम करो। और ये याद रखो कि आखिरकार पति परमेश्वर है।